परशुराम शैव संगठन के तत्वावधान में आयोजित बैठक लखनऊ चौक स्थित स्वामी प्रसाद अवस्थी के आवास पर हुई। बैठक की अध्यक्षता अनमोल वाजपेयी ने किया। मुख्य अतिथि दीपक त्रिपाठी बैठक में सभी हुई ब्राह्मण बंधुओं ने समाज के उत्थान के लिए अपने विचार रखे एवं समाज की कुरूतियों को दूर करने पर भी चर्चा की गई। ब्राह्मण बंधुओं को श्री परशुराम सौर्य संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल पांडे ने संबोधित करते हुए कहा, समाज की कुरूतियों को दूर करते हुए संस्कारवान शिक्षा ग्रहण करने, दहेज जैसी कुरीतियों से समाज को दूर रखने के लिए निरंतर प्रयास होना चाहिए। गरीब ब्राह्मणों के बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, यज्ञोपवीत कन्याओं के विवाह हेतु संगठन द्वारा समय समय पर कार्य किए जाएंगे। मुख्य अतिथि दीपक त्रिपाठी ने कहा, ब्राह्मण अपने आप में सर्वशक्तिमान है। ब्राह्मण एवं राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं। चाणक्य ने विश्व को एक नई राजनीति की दिशा दिखाई। कार्यक्रम के अध्यक्ष अनमोल वाजपेयी ने कहा, ब्राह्मण जहां भी रहें अपने समाज के हित के लिए कार्य करता रहे, मैं इस संगठन के लिए तन मन धन से मदद करूंगा। संचालन देव जेपी वाजपेयी ने किया। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज की मातृशक्ति भी मौजूद रहे। ममता तिवारी, सांभवी वाजपेयी, माधुरी द्विवेदी, आशीष त्रिवेदी, राम जेपी मिश्रा, बलराम मिश्रा, गणेश शुक्ला, ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद मिश्रा, अजय पांडे, कार्यक्रम संयोजक स्वामी राम अवस्थी मौजूद रहे। लखनऊ से ब्यूरो चीफ रामजी त्रिपाठी की